जमीन लेना होगा तो गवर्नमेंट लेवल पे तो भी टाइम लगेगा उसको, 3-4 साल लग सकता है। आप अभी कह रहे हैं अभी जल्दी मिल सकता है इम्तिहान, मैं आप उस पर भी आपको बता देता हूँ। देखिए सिंध के अंदर हमारे पास सलाइन ज़मीन बहुत जगहों पे मौजूद है, हमें सिर्फ क्या करना है कि अगर हमें सुपर इंटेंसिव की तरफ जाना है तो बिजली खींच के लानी है, बाकी सब हो जाएगा। पंजाब के अंदर कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत सलाइन है, उसको उसके पानी को और सलाइन करने के लिए तरीके मौजूद हैं। मैं चाइना में था तो चाइना में हम लोग, हमारा केकड़ा लॉबस्टर वगैरह बिकता है ना चाइना में, तो हम चाइना जाते हैं बहुत। अभी तो कोविड जब से हुआ मैं नहीं गया, मैं जाता था तो वो ये मिक्सेज होते हैं, डालते हैं एक्वेरियम के अंदर, उसमें लॉबस्टर रखते हैं, उसमें झींगा, ये सारी चीज़ें उसमें रखते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सलाइन ज़मीन होनी चाहिए, अब सब कुछ हर जगह हो सकता है। फर्स्ट पहली बात आपको मैंने बताई। अगर आप मासिस की बात करें तो मासिस के लेवल पे जो टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पंजाब की साइड में टेम्परेचर बहुत ऊपर चले जाता है। अगर आप वहाँ पे कंट्रोल फार्मिंग करें तो 2 HP का हीटर होता है। अभी मैंने आपको, आप लोग सब चौंक रहे थे ना जब मैं कह रहा था यार 1 एकड़ पे 40 HP लेकर, 40 kW लेकर जाओ। मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ वेरिएशन की बात कर रहा हूँ। अब पहले महीने तो आपने समझो झींगे को बिजली देनी भी नहीं है, होती है बहुत, मतलब 9-8 घंटे आपने बिजली देनी है पहले महीने, लेकिन आपने पानी को हीट करना है। अभी अजीज लोग का 5 लाख लीटर का एक टैंक था, तो इनके 8 हीटर हैं, तो ये तो पूरा साल झींगा पाल सकते हैं। तो वो 2 kW की बिजली खाएगा, 2 kW भी नहीं, 2 HP है ना, तो तकरीबन 1.5 kW हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो बिजली खाएगा। जब वो बिजली खाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गई ना। तो जब आप हैचरी लगाएंगे तो हैचरी आप तब लगाएंगे जब आपको नज़र आ रहा है कि यार ये फार्मर खरीदेगा मुझसे। आज अगर मैं हैचरी लगाने जाता हूँ तो जैसे मैंने आपको श्रिम का ग्रो आउट का बताया, तो हैचरी में आपको सबसे पहले आपके ब्रूड स्टॉक चाहिए, फिल्ट्रेशन डिवाइसेस चाहिए, 4 फिल्ट्रेशन डिवाइसेस होते हैं, वो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अब कोई आगे मतलब और 4-5 चीज़ें हैं, अब कोई आगे मुझे बोले यार वो आप मुझे ना 500 सीड्स दे दें, तो मैं उसको कहूँगा सर अस्सलाम वालेकुम, 500 आप में से कोई कर सकता है? 500 सीड क्यों दोगे किसी को भी? वर्ल्ड ओवर जो हैचरी है, चाहे आप थाईलैंड से मंगाएं कहीं से भी मंगाएं, उनकी मिनिमम क्वांटिटी होती है 1 मिलियन। मेरे पास अगर कोई कहता है कि 1 मिलियन मैं आपसे लेता हूँ, तो मैं आज आप डेट लिख लें, 1 महीने बाद मेरे से सीड ले लें 1 मिलियन। हैचरी नहीं है ना पाकिस्तान में, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, आप मुझे 1 मिलियन का ऑर्डर दे दें, आप कहीं से भी मंगाएंगे 1 मिलियन का आपने देना है ना, 1 रुपए का चाहिए आपको, मैं आपको वेनेमाई श्रिम का यहाँ खड़े होकर प्रॉमिस कर रहा हूँ, 1 मिलियन का मुझे ऑर्डर दे, मैं 1 महीने बाद आपको दे देता हूँ। यार वो हम कुछ वो हम कुछ ना कुछ वो बात की बात है, पहले 1 मिलियन का ऑर्डर तो लाए किसी। मैंने बहुत साहब है कहते हैं यार हमें चाहिए सीड लाओ सीड लाओ सीड लाओ, जब मैंने निकाल लिया सब आ गया, एक दफा हमने इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट करके आ गया, तब यार अच्छा यार तुम्हें काम करो थोड़ा सा नर्स करके हमें दे दो। तो जो आप हैचरी की बात कर रहे हैं, हैचरी आप मैं 4-3 महीने को भी छोड़ दें, मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको 1 महीने के अंदर दे दूंगा। मुझे पता है मैं आपको कल सुबह दे सकता हूँ, मैं फिर भी आपको 1 महीना कमिट कर रहा हूँ। लोकल मेरे अपनी नहीं, जब वो देखें जब झींगा झींगा अपना बच्चा देता है ना, तो होता है नॉपलाई स्टेज, ये स्टेज होती है, मंसूर ने आपको बताया होगा, नॉपलाई वो अपने वेल्क को खाता है 48 घंटे, 48 घंटे के बाद 72 घंटे कौन सी स्टेज होती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया किसी ने भी मंसूर के लेक्चर में, किसी ने कौन सा प्रोटोजोआ, किसी की गर्लफ्रेंड होगी ना उसका नाम होगा जोया, ऐसे याद रखे, वो लड़कियां थी ना पिछली क्लास में, तो हमने इस तरह याद रखवाया था। आप तो भाई आपको पहले दिन ही मैंने स्पॉट कर लिया था। दूसरी स्टेज होती है जोया 72 घंटे, तीसरी स्टेज क्या होती है माइसिस, कितने घंटे की, बस ये मतलब ये जो पूरा स्टेज है ना फ्रॉम नॉपलाय टू माइसिस दिस इज 10 डेज टोटल, मतलब कम ही होता है ज्यादा नहीं होता, लेकिन हम हायर साइड पे लगा रहे हैं। 10 दिन ये हो गया, फिर PL 1, 2, 3, 4, 5, 6 15 दिन लगा लें, PL 15 10 दिन ये 15 वो कितना हो गया 25 दिन हो गए। तो मैं आज खड़े होकर बोल रहा हूँ 1 महीने बाद मेरे से ले लें, क्यों मेरे पास है कुछ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे से आप ले लें। लेकिन ये ना कहें यार वो 2000 सीट दे दो, वो 3000 सीट दे दो,
वो ये अभी वे 2000-3000 करते करते मेरे अगर इन्होंने आप मेरे फार्म का चक्कर लगवाया, मेरे फार्म की छत गिर गई है, तो मुझे पैसे हॉक्स बे पे। मेरा एक लॉबस्टर का एक बायोफ्लॉक टाइप भी है, हाँ वो ये कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको। वो ले उस दिन यार मेरे ना वो क्रैब की शिपमेंट भी चल रही होती है, इसी का फोन आ रहा था, शुक्र है मेरी शिपमेंट चल रही होती है तो, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इमदाद से बात हुई थी, कराएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, विजिट हो जाएगा आपका। लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ये एक हवा बनाया हुआ है और श्रिम फार्मिंग हवा क्यों है। अब ये सऊद शाह साहब बैठे हुए हैं, मेरे पहली दफा में इनसे मुलाकात हो रही है, लेकिन मुझे किसी मतलब गायबाना तारुफ है इनका। अभी इनको मैं कहूँ यार वो तिलापिया के बच्चे निकाल दो, मुझे निकाल देंगे, कुछ भी निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे। और यही बात मैं इनसे 25 साल पहले पूछ लेता जब ये नहीं कर रहे थे, तो ये बोलते यार बहुत मुश्किल काम है। तो श्रिम फार्मिंग यार मतलब इतना आसान है ना श्रिम फार्मिंग, आप सब अगर तो हैचरी यहाँ पर होती तो मैं आप लोगों को क्या कहता, ये नहीं बात बोलता, मैं वो कहता घरों चले जाए, कहीं भी चले, ये 1000 लीटर के नहीं सफेद रंग के टैंक होते, वो क्या कहते हैं वो जो जो छोटे से होते हैं यार, उसमें 20 श्रिम डाल लो, अगर हैचरी होती है यहाँ पे 20 श्रिम डाल लो, उसको बड़ा कर लो, आपको पता चल जाएगा श्रिम फार्मिंग मुश्किल है आसान है। मैंने एरिएशन के बगैर 20 दाने रखे हुए उसके अंदर, ये मच्छर साइज रखे थे हैच करा के, वो खुद ही मैंने किया था, ये मच्छर साइज रखे थे, वो इतने इतने हो गए हैं विदाउट फीडिंग। मैं क्या कह रहा हूँ, विदाउट फीडिंग इतने इतने हो गए हैं 3 महीने के अंदर। अगर फीड कराता तो ये साइज हो जाते, माइक से इतना साइज हो जाता उसका, अगर मैं फीड कराता विदाउट एरिएशन, तो कौन कहता श्रिम फार्मिंग मुश्किल है। मैं उसको सलाम करता था रोज, वो भी मुझे सलाम करता था रोज। यार ये गुर की बात है, मतलब यार वो उसमें बैक्टीरिया होते हैं पानी के अंदर, वो हम उसको इंड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, थोड़ा कुछ कर देते हैं उसको, लेकिन फीड नहीं। मेरा बॉटम लाइन ये कि अभी 175 रुपए की 263 जो फीड दी है वो नहीं दी मैंने उसको, तो 3 महीने में वो 3 इंच तो हो गए ना, तो अगले 3 महीने में 6 इंच हो जाएंगे, तो फीडिंग के बगैर मुफ्त में भी हो गए वो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि आप फीडिंग के बगैर करें, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि यार ये श्रिम फार्मिंग वो नहीं, इससे आसान काम नहीं है। खैर किसी का कोई और सवाल कुछ भी, लेकिन अगर किसी को शीट चाहिए तो एटलीस्ट 1 मिलियन। अब ये नहीं कि यार वो 1000 दे दो 2000 दे दो।